तो भाई मतलब ऐसा नज़ारा ना काफ़ी कम ही लोगों को देखने के लिए मिलता है, क्योंकि पतला सा रोड, दोनों साइड से पेड़ और फिर बीच में जाते हुए प्लस साइड साइड में घर, छोटा मोटा घर। तो ये काफ़ी कम लोग को देखने के लिए मिलता है, बट हम लोग को देखने को मिल रहा है गाइस, गांव के लोगों को। तो सोचो यार, हम लोग कितना ही मतलब लकी गाइस हैं, कि हम लोग कितना लकी आदमी है ना, कितना लकी इंसान है ना, कि हम लोग को ऐसा व्यू मिल रहा है। शहर में गाइस ऐसा व्यू नहीं मिलेगी, ये मैं डेफिनेटली लिख के देता हूँ। व्यू मिलती है ऐसा, बट फिर भी वो वाली फीलिंग्स नहीं आती है जो इधर वाला फीलिंग्स है ना, गाँव का फीलिंग्स। लाइक देख सकते हो साइड साइड में पूरा हरियाली। और सो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज, आज संडे है और फिर आज अपन लोग निकले हैं गाइज संडे स्पेशल राइड पे। लाइक आज अपन लोग राजगीर की तरफ नहीं, आज अपन लोग जो नूरसराय है ना उधर की साइड निकले हैं, क्योंकि उधर आप लोगों को काफ़ी अच्छा अच्छा कुछ दिखानी है। और प्लस ये जो वेदर है ना, काफ़ी मस्त वाला वेदर है। लाइक थोड़ा बहुत धूप आ रहा है और फिर जा रहा है ऐसा वाला वेदर। मान लो जो पिछला संडे वाला था ना, उसी टाइप का ये भी वेदर है। तो आज का वीडियो लेकिन पिछला संडे से काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है गाइज, काफ़ी ज़्यादा धास होने वाला, काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना गाइज, कहीं भी स्किप मत करना, जितना हो सके उतना अपनी दोस्तों में शेयर भी करना गाइज। सो अभी अपन लोग यहाँ से निकलते, अपना R15 बाइक आ चुका है। लाइक अभी से एक आज मेरे साथ फिर से रहेगा, जो कि मेरे को साथ देगा वो। तो अभी आप लोगों को दिखाते गाइस जब शेख भी मेरे साथ है। तो अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और फिर डायरेक्ट मिलते हैं गाइस ब्लॉग में। तो ये अपना R15 गाइस, और फिर ये अभिषेक, और फिर हाय कर दो भाई हाय। और फिर ये देखो यहाँ पे जो वो वाली हुई थी ना, उसको हम लोगों ने रिपेयर करवा दिया, बट यहाँ पे फिर से यार थोड़ा सा बबल टाइप का आ चुका है। और फिर ये देखो ये भी सही हो चुका है, और अभी का लुक काफ़ी डिसेंट वाला मस्त भी लगता है यार, लुक एकदम प्यारा वाला लुक है। देख रहा हूँ ये लुक काफ़ी डिसेंट वाला देता है ना ये बाइक को, R15 को। पहले रेड वाला था ना तो उतना कोई खास वाला लुक नहीं था, लेकिन अभी मस्त वाला लग रहा है। प्लस अभी से एक ब्लू, ब्लैक ब्लू, मस्त है यार। सो फाइनली गाइस अभी बाइक पे बैठ चुके हैं अभिषेक, और फिर अब से एक ड्राइव कर रहा हूँ और फिर मैं बैठा हुआ। और फिर इधर का वेदर देखो गाइस, क्या ही मस्त वाला लग रहा है। देखो धूप अच्छा से नहीं दिख रहा, मतलब थोड़ा बहुत सूर्य भगवान दिख रहा है, धूप थोड़ा बहुत आ रहा फिर जा रहा है, ऐसा मतलब ऐसा ही वेदर है, देख रहे हो। प्लस इधर उधर देखो पोल्ट्री फॉर्म है, अपना जान पहचान वाला कहीं है गाइस ये पोल्ट्री फॉर्म। और फिर इधर देखो बकरियाँ चर रही है, और फिर ये खेत देखो धान वान का, टोटल ग्रीन है इधर अभी अभी का टाइम में। और फिर ये देखो गाइस, बचपन का याद ताज़ा हो गया भाई। ये देखो बचपन में हम लोग यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए। ये अपना है मिडिल स्कूल है ना आपसे? हाँ, तो ये मिडिल स्कूल है सामने की साइड। ये देखो इसमें अपन लोग बचपन में, ये सब नहीं बना था, जो भी रेड रेड वाला दीवार दिख रहा है ना उस टाइम बना ही नहीं था। सिर्फ ये जो पेड़ दिख रहा है ना, इसको हम लोग कौआ का पेड़ बोलते हैं। ये बड़ा वाला पेड़ है ना, इसको कौआ का पेड़ बोलते हैं भाई। ये बहुत पुराना पेड़ है गाइस, बहुत ही पुराना। ये हम लोग का पापा जब रहते थे ना उसी टाइम का ये पेड़ है, ऐसे सारे लोग बोलते हैं, बहुत पुराना पेड़ है। और फिर देखो ना अभी तक मतलब बुढ़ा हो चुका अब तो ये। और प्लस ये मिडिल स्कूल भाई, मतलब पहले आते थे ना पढ़ने के लिए, काफ़ी मस्त लगता था। ये देखो मध्य विद्यालय नालंदा बड़ारा। और ये देखो बच्चा साइकिल सीख रहा है, अच्छा लगता है यार। हम लोग भी सीखते थे साइकिल। ये अपना डाक बाबा, और फिर इधर आम का पेड़ ना काफ़ी आता, जब गर्मी का मौसम आता था ना तो अपन लोग इधर आम चोरी करने के लिए काफ़ी आते थे। और फिर जो जिसका आम का पेड़ रहता था ना, वो लोग मतलब हम लोग को रगेता था, दौड़ाता था, हम लोग दौड़ दौड़ के भाग जाते थे। इधर से खूब आम चोरी किए गाइस, और फिर अपने को इस तरफ जाना है, क्योंकि इधर के साइड ना एक पुल है आगे, जो कि पुल टूट चुका है और उसको रिपेयरिंग अभी तक नहीं किया, तोड़ने के बाद मतलब वो बनता है ना, उसको अभी तक बनाया नहीं है। तो अपन लोग इधर के साइड से ही जा रहे हैं। और फिर ये मस्त वाला छोटा मोटा रोड, प्यारा सा ही रोड है गाइस, हम लोग गाँव में ऐसा ही रोड होता है, तो कोई 4 लेन वाला रोड नहीं होता है गाँव में, तो ऐसा ही रोड होता है, इसी से हम लोग सफ़र करते हैं, साइकिल हो या फिर कुछ भी हो। लेकिन हाँ एक चीज़ है, जो उधर की साइड कखड़ा है ना, जिधर से हम लोग हमेशा से जाते हैं बिहार शरीफ, वो वाली रोड से काफ़ी क्लीन है, क्योंकि वो वाली रोड में क्या होता है ना कि रोड पे ना सारे लोग जो भी होते हैं ना, क्या ही बोले गाइस, नहीं बोल सकते, छोड़ो यार रहने दो, मतलब पोटी वोटी कर देते रोड पे ही, तो वो एकदम बेतुका हो जाता। बट ये रोड देख रहे हो एकदम क्लीन भाई, मस्त लग रहा है। थोड़ा बहुत गोबर तो, ये तो काउडंक होता है यार, मतलब एनिमल थोड़ी ना जान पाएंगे गाय भैंस। सो भाई अभी तो जा ही रहा है, मस्त लग रहा है यार, मज़ा आ रहा है अभी अपने को। सो ये वाली राइड ना काफ़ी स्पेशल वाला राइड होने वाला है, क्योंकि इधर का राइड आज तक मैंने नहीं किया था ना, नूरसराय का राइड।
भाई हम लोग काफ़ी आगे आ गए हैं, लाइक ये अघियारा पर है गांव का नाम। सो इधर का रोड देख रहे हो कैसा है, और फिर इधर का देखो भाई जी, ये बीच में तालाब है जो क्या बोलते हैं ना, कुंभी इसको बोलते हैं ना, वो कुंभी है पानी में, और फिर उधर खेत वेत है गाइस देख रहे हो। और भाई मतलब एरिया भी अच्छा गाँव है यार, मतलब क्या बोलते हैं, काफ़ी मस्त वाला है, मिलजुल के सारे लोग रहते हैं। हम सारे गाँव में ना मिलजुल के ऐसे भी रहते हैं, बट उनमें से ये भी एक गाँव है गाइस। और फिर भाई देखो यार, गाय भैंस रोड पे ही, दो बच्चा क्या कर रहा है ये, आई लव आई दूल्हा। तो उससे गाइस जिस पे जो बच्चा था ना, उससे कुट्टी कटता गाय भैंस के लिए, हम लोग कुट्टी बोलते हैं शहर में, क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं। उसमें पहले पीछे से घास डाला जाता है इसमें, और फिर आगे इस साइड से इसको रोटेट किया जाता है, तो घास कट के रेडी हो जाता है, उसको गाय भैंस जो भी बैल वैल होता है सार लोग खाता है। और फिर ये घर देखो काफ़ी मस्त लग रहा है यार, आगे फूल पत्ती और फिर घर, अच्छा है फिर भी ये वाली। भाई देखो यार क्या हरियाली लग रहा है ना, देखो सारा में धान ही धान, उधर भी धान पूरा एकदम, प्लस इधर भी धान है, बीच बीच में पेड़ प्लस धान, देख रहे हो भाई। ये जो ग्रीनी एरिया है ना, मैं पहले भी बोला था ना भाई, ये सिर्फ गाँव में ही मिलती है, शहर में तो मिलती ही नहीं है। ये देखो, और खेत के बीच में काम करते हुए वो भैया, देखो घास उस होता है ना बीच में, धान का बीच में, उसको हटाते हैं सारे लोग। और फिर देखो भाई मतलब क्या ही मस्त भयानक वाला सीन है भाई, इसमें सिनेमैटिक शॉट्स काश मेरे को लेने आती ना, तो काफ़ी मस्त वाला इसका शॉट्स आता एकदम, और ड्रोन भी तो और ही डेंजरस वाला आती गाइस। तो भाई मतलब ऐसा नज़ारा ना काफ़ी कम ही लोगों को देखने के लिए मिलता है, क्योंकि पतला सा रोड, दोनों साइड से पेड़, और फिर बीच में जाते हुए प्लस साइड साइड में घर, छोटा मोटा घर, तो ये काफ़ी कम लोग को देखने के लिए मिलता है, बट हम लोग को देखने को मिल रहा है गाइस, गांव के लोगों को। तो सोचो यार हम लोग कितना ही मतलब लकी गाइस हैं, कि हम लोग कितना लकी आदमी है ना, कितना लकी इंसान है ना, कि हम लोग को ऐसा व्यू मिल रहा है। शहर में गाइस ऐसा व्यू नहीं मिलेगी, ये मैं डेफिनेटली लिख के देता हूँ, व्यू मिलती है ऐसा, बट फिर भी वो वाली फीलिंग्स नहीं आती है जो इधर वाला फीलिंग्स है ना, गाँव का फीलिंग्स। लाइक देख सकते हो साइड साइड में पूरा हरियाली, और फिर साइड बीच में एकदम रोड मस्त वाला, मिलती है गाइस शहर में भी मिलती है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं भाई, मतलब जो ऐसा होता है ना फीलिंग्स अंदर से होता है ना भाई, कितना हैप्पीनेस है, ऐसा वाला नहीं होता है गाइस, एक्साइटमेंट ये सब, तो गांव में ही सिर्फ ऐसा मिलता है, क्योंकि खेत में हरियाली प्लस बीच रोड, दोनों साइड पेड़, इसका मज़ा ही कुछ अलग होता है गाइस। देख रहे हो हरियाली हरियाली है चारों तरफ, शहर में क्या है बीच में रोड है, दोनों साइड पेड़ है, लेकिन साइड में देखोगे तो घर है, तो वो वाली फीलिंग्स नहीं आ पाती है ना जो यहाँ पे आ पाती है हम लोगों को। सो यहाँ से मेन रोड आने वाली है, लाइक देख सकते हो, दो तीन क्या बोलते हैं ना, तीन चार भाई, ये क्या, हम तो असेंडिंग ऑर्डर में कैलकुलेट कर रहे थे गाइज, मतलब काउंट कर रहे थे। और फिर ये अपना मेन रोड आ चुका है गाइज, फाइनली हम लोग आ गए मेन रोड पे, और फिर यहाँ से अपने को नूरसराय ब्लॉक के पास जानी है, तो कितना किलोमीटर होगा पता नहीं। और फिर यहाँ पे ना देखो साइड साइड में ना गन्ने का जूस मिलेगा, ये प्योर ओरिजिनल गाइस, यहाँ पे ना खेत से लोग तोड़ के लाते हैं गन्ना, और फिर यहाँ पे बेचते हैं, तो अगर पीना हो तो ये सब जगह पियो यार, जहाँ पे खेत में तो ना वहाँ पे गन्ना पियो, तो ओरिजिनल एकदम जेन्यून मिलेगी। वरना तो गाइस सारे लोग पहले से ही पानी फुला के रखते हैं, तो वो पीने का मज़ा ही नहीं है भाई, थोड़ा सा भी मज़ा नहीं है, तो इसका मज़ा ही कुछ अलग हो जाता है। देखो हर जगह गन्ना का जूस, थोड़ा सा आगे गए गन्ना का जूस वाला, फिर यहाँ भी देखो, यहाँ भी गन्ना का जूस, और इसके आगे भी गन्ना का जूस, तो भाई मतलब इधर पीने का ना मज़ा ही कुछ अलग हो जाता है। इधर भी गन्ना का जूस हम लोग इधर पीते थे पहले, बट अभी जब से थोड़ा इधर आना कम किया ना, तब से पीना बंद कर दिया, बट अभी दोबारा आना स्टार्ट करेंगे ना कंटिन्यूस, तो हम लोग पीना ये स्टार्ट कर देंगे कंटिन्यू गाइस। तो अभी यहाँ से भाई चलते हैं आगे की ओर मस्त वाला। तो फाइनली गाइस अभी तो हम लोग लाइक बोले तो आधा रास्ता ही पहुँचे, और फिर गन्ने का जूस पीछे वाला था, उससे आगे अपन लोग आए, और फिर इसके आगे ना परियोना है, परियोना में एक DPS स्कूल है, DPS का ब्रांड ही अलग होता है गाइस, वो तो आपको पता होगा DPS स्कूल क्या है, तो DPS सामने में है, और फिर अपन लोग और भी आगे जा रहे हैं, क्योंकि अपने को ब्लॉक दिखानी है गाइस, नूरसराय ब्लॉक, वहाँ तक जाएंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे, और पॉसिबल हुआ तो और आगे जाएंगे, वरना गाइस पहले देखते हैं जाके गाइस। देखो भाई ये DPS प्योर गाइस, मतलब गाँव के आसपास ये DPS अपना दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो ये स्कूल भी काफ़ी मस्त वाली स्कूल होती है गाइस, देख रहे हो पूरा गांव के अगल बगल टोटल हरियाली है गाइस, तो यहाँ का नेचर काफ़ी मस्त भी लगता होगा, और ऐसा ही मतलब ऐसा ही जगह स्कूल भी रहना चाहिए यार, अगल बगल हरियाली होती है ना,
तो उसका शुद्ध हवा स्टूडेंट लोग को मिलता है, माइंड फ्रेश होता है और फिर पढ़ाई करने का ना मजा ही कुछ अलग हो जाता। और फिर ये देखो गाइस भाई, मतलब ऐसा गाड़ी सही है यार, जिनका मतलब गाँव में थोड़ा सा ये रहता ना, तो उनके लिए ये गाड़ी सही होता। और फिर गन्ना का खेत देखो गाइस, मैंने बोला था ना खेत से ही तोड़ के लाते हैं, ये देखो देख रहे हो सिर्फ गन्ना का ही खेत है, उधर गन्ना का, वो गन्ना का, वो गन्ना का, वो गन्ना का, सारे लोग तोड़ के लाते हैं और फिर साइड साइड में बेचते हैं। अभी तक काउंट किए होगे ना गाइस, अगर काउंट किए होगे ना तो काउंट करके बताना कितना मतलब यहाँ पे बेचने वाला, गन्ने का जूस बेचने वाला अभी तक दिखे हैं, और आगे तो और भी बहुत सारा मिलेगा। इधर देखो, इधर भी गन्ना का खेत है, तो आगे और भी बहुत सारा मिलेगा, बहुत सारा मतलब कितना ना मतलब थक जाओगे, इतना सारा जूस वाले इधर मिलेंगे और फिर खेत मिलेंगे गन्ने का। तो फाइनली गाइस हम लोग नूरसराय ब्लॉक से बहुत पहले लगे, थोड़ा बहुत पहले 500 मीटर के आसपास पहले रुके, और फिर यहाँ से गाइस अपन लोग सोच रहे हैं यार कि नूरसराय ब्लॉक जाएंगे ना तो आप लोग को दिखाने में काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बहुत कुछ उसमें दिखाना है गाइस ब्लॉक में, मतलब उधर का एरिया ना काफ़ी मस्त है और फिर काफ़ी कुछ आप लोग को बताने को मिलेगा। तो गाइस उधर मेरे ख्याल से ना काफ़ी लंबा वाला हो जाएगा, तो उसके लिए एक स्पेशल सा ब्लॉग सोच रहे हैं, स्पेशल सा एकदम ब्लॉग लाएंगे। तो अपन लोग नूरसराय से पहले हैं, लाइक ब्लॉक से पहले हैं, और फिर यहाँ पे ना मैंने बोला था ना गन्ना का बहुत सारा जूस होता है गाइस, इधर बहुत सारा, लाइक पीछे देख सकते हो गन्ना का खेत है, उधर देखो है ना, उधर भी गन्ना का खेत है, काफ़ी सारा गन्ना का खेत है, और फिर जितना जूस बेचने वाला है ना गन्ना का, काउंट करते करते ना थक जाओगे गाइस, जितना गन्ना का जूस बेचने वाला इधर है। तो अपन लोग पहले सोच रहे हैं गन्ना का जूस पिए और फिर इधर से मस्त वाला फिर कंटिन्यू करेगा इस ब्लॉग, तो पहले चलते हैं गाइस गन्ना का जूस पीते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं अभी। तो गाइस इधर गन्ना का जूस देखो वो वहाँ पे, तो अभी वहाँ पे अपन लोग जा रहे हैं, मैं और फिर अभिषेक जा रहे हैं, वहाँ पे गन्ना का जूस पियेंगे। बट सबसे पहली गाइस, सबसे पहली बात मैं बता दूँ ना, रोड क्रॉसिंग करना ना तो दाएँ और बाएँ जरूर देख लेना, देखो इधर से कोई गाड़ी नहीं, काफ़ी डिस्टेंस पे है और फिर इधर भी डिस्टेंस पे है, तो अपन लोग क्रॉस कर सकते हैं, देख सकते हो गाइस, देख रहे हो, तो अपन लोग क्रॉस कर गए फाइनली, और अभी यहाँ पे चलते हैं गन्ना का जूस पीते हैं मस्त वाला, और फिर भैया से पूछते हैं कितने का गन्ना का जूस है। तो ये आ चुके हैं हम लोग गन्ना का जूस के पास, और फिर अभी पीते हैं, पूछते हैं कैसे गिलास है भैया। भाई मनी प्रॉब्लम, ऐसा बोलते ना मनी प्रॉब्लम, भाई पैसे का प्रॉब्लम अभिषेक। भाई हम लोग के पॉकेट में पैसा नहीं है और 20 रुपये ग्लास है, सोचो मतलब 20 रुपया है टोटल और फिर उसमें से 20 रुपये का ग्लास बिक रहा है यहाँ पे, तो पैसे का प्रॉब्लम। तो गाइस कहीं भी जाओ ना तो पैसा पहले ले लेना, अपने को याद नहीं रहा बट अभिषेक के पास है अभी तो 20 रुपया सिर्फ है, तो उसमें सिर्फ एक गिलास जो कि समझ सकते हो ना अच्छा नहीं लगेगा यार, एक पियो और फिर एक ना पियो अच्छा नहीं होएगा। तो अभी अपन लोग थोड़ा बहुत कोशिश करके देखते हैं, अभी से देखो पैसा निकाल रहा कहाँ से, भाई ऐसे ऐसे छुपा के रखता है पैसा भाई, ये देखो ये एटीएम मशीन, आई ला भाई इसके पास तो पैसा ही पैसा है, ये देखो भाई साले मेरे से झूठ बोला, ये देख रहे हो पैसा भरा हुआ है भाई, पूरा फोन पैसा भरा हुआ, दिखाना एक बार, ये देखो भाई देख रहे हो सिर्फ पैसा ही पैसा है, ये देखो भाई छुपा के रखता है ये बंदा पैसा, देखो इस बंदे को गौर से। तो अभी चलते हैं पहले भाई आधा आधा गिलास ही दोनों मिलके पी लेंगे, क्योंकि इसका काम का पैसा होगा तो भाई क्या ही बोल सकते हैं। तो अभी भैया एक गिलास में हाफ अप कर दे रहे हैं, 10-10 का दोनों का हो जाएगा और फिर उसी में अपन दोनों लोग पी लेंगे। हाँ भैया आप लोग खेत से ही तोड़ के लाते हैं ये वाली गन्ना, हाँ ये लोग खेत से ही तोड़ के लाते हैं, तो भाई यहाँ पे आना ना तो ये भैया के पास जरूर पीना, क्योंकि भैया ना काफ़ी अच्छा वाला है यार, मतलब तुरंत से समझ गए और फिर हम लोगों के लिए बनाना स्टार्ट कर दिए, ये तो बोले यार फ्री में ये गिलास पी लो, बट हम लोगों ने बोला नहीं यार मेहनत का ये कमा रहा है ना तो क्यों ऐसे ही पी ले यार, तो इसी कारण से हाफ हाफ अभी अपन दोनों पियेंगे और फिर मस्त वाला गाइस यहाँ से निकलेंगे। गन्ना का जूस कैसे निकल रहा है भाई, पूरा पहले वो कटोरा है ना बर्तन है ना उसको पूरा क्लीन कर दिए और उसके बाद उसमें गन्ना का जूस ऊपर से निकल रहा है और फिर उसमें जा रहा है, ये देखो भाई इसका प्रोसेस भी काफ़ी अच्छा होता है। ये अभी क्या जाएगा इसमें, नींबू है, नींबू भी डालना पड़ता है भाई, मतलब उसमें थोड़ा सा खट्टापन आने के लिए ना टेस्ट इसका बढ़ता है, मेरे से कहते टेस्ट बढ़ता है, इसी कारण से नींबू भी जाता है। और फिर गाड़ी देखो भाई कितना बड़ा सा है, ये देखो ऑनलाइन पेमेंट भी गाइस, अरे भाई ऑनलाइन पेमेंट है यहाँ पे, बट मेरे पास ऑनलाइन भी नहीं है, 0.29 पैसा अपना अकाउंट में गाइस 0.29, तो क्या ही कर सकते गाइस मजबूरी है यार, कोई इनकम का स्रोत नहीं है
खर्चा तो भाई बहुत सारा है। तो सबसे पहले पैसा कमाना सीखना गाइस, मेरा यही मानो, पैसा कमाओ उसके बाद खर्चा करो। तो अभी भैया डाल रहे हैं इसमें, ये देखो 30 रुपये दीजिए तो भर देते हैं। ठीक है भर दीजिए। तो चलो 30 रुपये में दोनों गिलास भर रहा है, चलो अच्छा यार दोनों भर जाएगा 30 रुपये में ही। और फाइनली भाई एकदम प्योर गन्ना का जूस इसको बोलते हैं, देखो ये प्योर गन्ना का है। बाकी शहर में तो भाई पूरा पानी फुला के रखता है, जो भी रहता है ना गन्ना उसको पानी फुला के रखता है, आधा पानी और आधा गन्ना का जूस ऐसा बोल सकते हैं, बट ये प्योर गन्ना का जूस है गाइस। तो अभी अपन लोग इसको पीते हैं, अभिषेक टेस्ट करके बताना कैसा लग रहा है पहले। तो अभिषेक पहले पिएगा, टेस्ट बताएगा, फिर मैं पीऊँगा गाइस। तो ये देखो अभिषेक पहला सिप कैसा लग रहा है। अभिषेक मस्त है भाई, मतलब ये देसी गन्ना का जूस। तो ये बिल्कुल जरूर ट्राई करना गाइस, प्योर हाइजीनिक जूस है, इसमें कोई भी मिलावट ये सब कुछ भी नहीं है, बस मस्त वाला जूस है, तो पिया करो, स्पेशली रिकमेंडेशन गाइस मेरा। सो फाइनली भाई हम लोगों ने गन्ना का जूस पी लिया, काफ़ी मस्त टेस्टी लगा। और फिर ये अपना मॉन्स्टर भाई देख रहे हो अपना मॉन्स्टर को। तो हम लोगों ने गन्ना का जूस पी लिया और फिर यहाँ से अपन लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं, क्योंकि अपने को थोड़ा सा अपने को नहीं लाइक क्या बोलते ना अभिषेक को मिर्ची लेना है, क्योंकि भाई इसको तीखा काफ़ी पसंद है और फिर अपने को ही पसंद है, लेकिन ये ज़्यादा तीखा है गाइस। ये बंदा, इस बंदे को देखो, ये बहुत ज़्यादा तीखा खाता है। तो इसके लिए स्पेशली गाइस 250 ग्राम मिर्ची लेना है। तो अभी जा रहा है मिर्ची वाले के पास और फिर बोल के लेंगे गाइस तीखा वाला देना, क्योंकि इसको ना खाई इसको तीखा से ना लहरा देना है कुछ भी बोलो। तो गाइस हम लोग जूस पी के निकल गए, अभी मिर्ची लेने के लिए निकले और फिर इधर देखो गाइस गन्ने का खेत। अभी ये छोटा छोटा सा गन्ना का खेत है और पीछे के साइड तो वो काफ़ी बड़ा बड़ा था। और फिर इधर देखो ये भी गन्ना का खेत और ये देखो भाई गन्ना का जूस का सॉरी ठेला था और फिर आगे भी सिर्फ गन्ना का जूस का ही ठेला गाइस, जिधर देखो ना उधर वही। और देखो सारे लोग कार से पीने के लिए स्पेशली आते हैं गाइस यहाँ पे, कार रोकते हैं दूर दूर से आते ना, देखते गन्ना का जूस है तो सारे लोग समझ जाते गाइस, क्योंकि ये जो भी गन्ना का बेचता है ना ये लोग सारा ओरिजिनल जूस ही बेचता है गाइस, कोई मिक्सिंग नहीं रहता पानी वानी का। तो सारे लोग दूर दूर से भी आते हैं ना, वो कार रोकते हैं और फिर इन लोगों के पास गाइस जूस पीते हैं। तो आप लोग भी ऐसा जगह जूस पीना गाइस, ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा होगा, हालांकि जूस कोई ख़राब नहीं होता बट फिर भी उसमें पानी ज़्यादा जूस कम, तो उससे पीने से अच्छा उतना ही पैसा में तुम प्योर जूस क्यों ना पी लो यार, प्लस फ़ायदा भी ज़्यादा होगा अच्छा से। तो गाइस हम लोग नूरसराय मार्केट आ चुके हैं, लाइक ये मार्केट नहीं ये नूरसराय स्टार्टिंग है और फिर ये अंधना मोड़, इसको बोलते हैं अंधना मोड़ है ना ये। सो ये अंधना मोड़ है गाइस और फिर इसके आगे मेन नूरसराय मार्केट है। तो यहीं से अभी सेक लेगा मिर्ची और फिर इसके आगे ना थोड़ा सा और आगे जाओगे ना तो ब्लॉक है गाइस। तो आप लोग सोच रहे हैं ब्लॉक का वीडियो यहाँ पे स्किप करें गाइस, क्योंकि ब्लॉक जो भी ब्लॉक है ना उसका वीडियो एक नेक्स्ट स्पेशल सब ब्लॉग में लाएंगे गाइस, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ दिखाना होगा, काफ़ी कुछ आप लोगों को जानकारी भी देना होगा गाइस। तो अभी फिलहाल यहाँ से मिर्ची लेते हैं और फिर निकलते हैं भाई, काफ़ी कॉस्टली है नहीं खाना भाई मिर्ची भाई मिर्ची नहीं खाना यार भाई, एक तो तीता ऊपर से इतना महंगा, लगता है कोई अपन लोग काजू किशमिश खरीद रहे काजू वैसा रेट। अब बताओ यार मतलब 40 रुपये पाव कहाँ से मिलता है, 40 का 250 ग्राम नहीं 40 नहीं सॉरी 30 का 250 ग्राम मतलब 120 रुपये किलो भाई, इतना का कौन लेता यार मिर्ची। हमने तो लाया था यार 50 रुपये के जी के आसपास, 25 का आधा किलो मैंने लिया था, बट इधर तो मार्केट में और भी कॉस्टली है, पता नहीं यार इससे अच्छा भाई बिना मिर्ची का खा लियो ठीक है। अगर ऐसा वैसा हो ना तो पेड़ वेड़ रोक लेना क्या, हाँ पेड़ वेड़ रोक लियो मिर्ची का, मेरा छत पे है वैसे भी पेड़ मिर्ची का, आप लोगों को नहीं पता ना गाइस। तो मैं अपना छत पे ना नेनुआ का जो होता है ना लत्ती वो भी लगा चुका हूँ, नेनुआ फरने वाला है गाइस, उसमें फूल आ चुका है, फरने के लिए रेडी हो चुका है और मिर्ची भी फर चुका है। तो वहीं से तोड़ तोड़ के अपन लोग तो खा लेंगे यार, पैसे तो बच जाएंगे ना, 40 रुपये पौवा भाई 40 रुपये बच जाएगा यार अपना भाई, बताओ गाइस मतलब 40 रुपये पौवा कौन मिर्ची खाता है भाई, हम तो यार चीनी फाँक लेंगे, इससे अच्छा अपने को अपने को ना तीता नहीं खाना, अपने को मीठा ही खाना है भाई, शुगर ही होगा ना कोई दिक्कत नहीं यार, शुगर नहीं होगा अपन लोग दौड़ बौड़ के ना कंप्लीट कर लेंगे, बट मिर्ची नहीं खानी अपने को ये तो मान लो, इतना महंगा कौन मिर्ची खाता है भाई बताओ कोई नहीं। इससे अच्छा भाई मतलब घर में ही लगा लेंगे ना पौधा तो हो जाएगा यार, मिर्ची रेडी हो जाएगा, और मेरे पास तो है बस इसके पास नहीं, अभिषेक के पास, बट ये भी लगा लेगा मिर्ची का पौधा घर जाके। अब Thank you.
फाइनली गाइस हम लोग घूम के आ गए लाइक लॉन्ग राइड पे आ गए, संडे स्पेशल वाली राइड पे। और फिर अभी हम लोग गांव के पास आ चुके हैं, लाइक देख सकते हो पीछे की साइड खेत है धान का और फिर इधर भी धान का खेत है। सो गाइस प्लीज कमेंट करके बताना गाइस आप लोग को ये ब्लॉग कैसी लगी। और फिर अपन लोग सोच रहे गाइस कि नेक्स्ट संडे को ना या फिर नेक्स्ट वीडियो में ना अपन लोग ब्लॉक वाली वो वीडियो लाएंगे, जो अपना ब्लॉक है ना नूरसराय ब्लॉक, वहाँ का वीडियो लाएंगे। वहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा अच्छा सीन है गाइस, वहाँ का जो वीडियो बनेगी ना वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल वाली वीडियो होगी। तो प्लीज़ गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो या फिर संडे वाली स्पेशल वीडियो में ब्लॉक वाली वीडियो लाएँ या फिर कोई और वीडियो लाएँ। सो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो आई होप आप लोगों को ये थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना और ऐसे हमारे वीडियो देखते रहना। सो बाय बाय गाइज, और जितना हो सके उतना भाई अपना भाई का ना चैनल को शेयर करना गाइज। सो अभी अपन लोग यहाँ से घर जाते हैं क्योंकि गाँव में एंट्री ले चुके हैं, तो अभी कुछ लोग गाँव के लोग देखेंगे ना तो क्या सोचेंगे नहीं पता, बट गांव में बहुत कम ही लोग मेरे को जानता है कि मैं ब्लॉग बनाता हूं, क्योंकि गांव के लोग कुछ अलग ही नज़र से देखते हैं गाइस इसी कारण से। तो अभी अपन लोग यहां से फटाक से निकलते हैं घर की ओर। सो बाय बाय गाइस, बाय। मतलब मस्त वाला गांव का रोड पे ये स्पेशल अकेला खड़ा बेस्ट मतलब मॉन्स्टर अपना भाई। और फिर ये देखो पूरा हरियाली ही हरियाली है, ये हरियाली के बीच में ना ये काला बेस्ट देख रहे हो। और फिर ये बाबा मस्त वाला आ रहा है, हम लोग को देख रहे हैं क्या कर रहा है, बाबा ब्लॉग बना रहा है। और फिर ये धान का खेत, टोटल अभी धान ही धान है सारे जगह, ये देखो धान। और फिर ये अपना मिडिल स्कूल, जो कि काफ़ी बचपन में यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे गाइस, बट कोई ना यार ये भी बन चुका है काफ़ी मस्त वाला, पहले कुछ नहीं बना हुआ था।